हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्वाविक मॉम स्टूडियो। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त लाइफ जी रहे होंगे। और आज की शुरुआत हो रही है कुकिंग से, क्योंकि लंच टाइम हो गया है और लंच में बना है शिमला मिर्च आलू की सब्जी और उसके साथ में बना रही हूँ खीरे का रायता। तो ऐस सच कोई स्पेशल रेसिपी तो होती नहीं है खीरे की रायते की, लेकिन मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने ये दही अच्छे से मथ लिया है, खीरा घिस लिया है और अब इसका पानी मैं निकाल के इसे दही में डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिला लूँगी। बहुत से लोग पानी के साथ भी डाल देते हैं, लेकिन मेरे को ये इस तरीके से स्क्वीज़ करके ही डालना सही लगता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दही फट जाती है अगर हम पानी के साथ ही डाल देते हैं। तो अब इसे अच्छे से मिला दिया है मैंने और अब इसमें मैं डालूंगी ब्लैक सॉल्ट। आप चाहो तो सादा नमक भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे को ब्लैक सॉल्ट ही अच्छा लगता है रायते में, तो ये ब्लैक सॉल्ट मैंने इसमें डाल दिया है। और ब्लैक सॉल्ट के साथ मैं इसमें डालूंगी जीरा पाउडर और काली मिर्च। यही तीन चीज़ें मैं इस डालती हूँ रायते में, चाहे किसी भी तरीके का रायता बना रही हूँ उसके अलावा मैं कुछ भी मसाले इसमें नहीं डालती हूँ। तो काला नमक डाल दिया है, काली मिर्च डाल दी है, ये डाल दिया जीरा पाउडर और साथ में डालूंगी इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। और ये जीरा मैंने भून के रखा हुआ है तवे पे, वो इसमें डाल दूंगी। आप चाहो तो तड़का भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे इस तरीके से भून के जीरा डालना ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, भुना भुना सा जैसा होता है ना, तो वो फ्लेवर इसमें आ जाता है। और ये धनिया मैंने डाल दिया और अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और ये तैयार है बनके खीरे का रायता। और थोड़ा सा ठंडा होना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए दही थोड़ा सा ठंडा था, बाहर रखा हुआ नहीं था। और ये मेरा खीरे का रायता तैयार है और इसके साथ मैंने अपने लंच की थाली भी लगा ली है, पराठा, शिमला मिर्च आलू की सब्जी और रायता। और अब मैं लेके जा रही हूँ इसे अंदर, क्योंकि बाहर जो आपको पता है एज यूजुअल ऑफिस चल रहा है, तो स्वाभाविक और मैं अंदर ही बैठ के खाएंगे और स्वाभाविक और मैं अब आराम से बैठ के करेंगे लंच। मैं देख रही हूँ टीवी और स्वाभाविक अपने टैब पे कुछ देख रहा है वो हेडफोन लगा के। तो मैंने कई लोगों से सुना है कि बच्चे को जब भी वो खाना खा रहा हो तो उसे फ़ोन या टैबलेट या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या फिर बहुत से पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि बच्चे लग के खाना खाने बैठते ही नहीं है। तो अगर उन्हें टैब या फ़ोन पे कुछ लगा के दे दो तो इस बहाने वो बैठ जाते हैं एक जगह और आराम से खाना खा लेते हैं, नहीं तो उनके आगे पीछे लेके घूमना पड़ता है और अच्छी खासी चिल्लम चिल्ली होती है, जो इस टाइम पे तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ऑफिस में फिर डिस्टर्बेंस होती है। तो उसे मैंने टैब पे कार्टून लगा के दे दी है तो वो देख रहा है और उसे आराम से मैं इस तरीके से खाना भी खिला देती हूँ। तो अगर आपके बच्चों के साथ भी इस तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है कि आपको उन्हें खाना खिलाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या क्या टेक्निक्स अपनाते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। भाई मैं तो यही ट्रिक लगाती हूँ, हालांकि नहीं करना चाहिए लेकिन क्या करूँ यार, बच्चे को खाना खिलाना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आराम से बैठ के वो एक जगह खा लेता है, तो मैं तो बड़े आराम से इस तरीके से उसे खाना खिला पाती हूँ। और दोपहर से अब शाम को मुलाकात हो रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत काम आ गया था मुझे तो मैं बीच में व्लॉग नहीं बना पाई थी और दूसरा आपको पता ही है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ज्यादा व्लॉगिंग हो भी नहीं पाती है। तो शाम हो गई है, चाय वाय हमने सब पी ली है, आज आपको चाय बना के दिखा के बोर नहीं करने वाली हूँ मैं। तो चाय मैंने बना भी ली और पी भी ली और अब मैं जा रही हूँ बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने, क्योंकि कल है भाई ईद और ईद का सेलिब्रेशन बिना सेवैयों के कैसे हो सकता है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ मीठी सेवैयां जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए बनाते हैं मीठी सेवैयां।
मीठी सेवई बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में लिया है 2 टेबलस्पून घी और उसमें ये सेवइयाँ मैं डाल के अच्छी तरीके से भूनूंगी जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाती। तो अच्छी तरीके से आप सिम पे गैस करके हल्की फ्लेम पे ही रखिएगा और इसे ऐसे तरीके से चलाते हुए अच्छे से भून लीजिएगा, बिल्कुल ब्राउन होनी चाहिए। और ये बाज़ार वाली सेवई हैं, घर वाली सेवई नहीं है। तो देखिए ये भून के एकदम से तैयार हो गई है, बिल्कुल अच्छे से कलर आ गया है इसमें। तो अब मैं क्या करूँगी, इस सेवई को एक अलग कटोरी में निकाल के मैं रख लूँगी। ये 1 कप सेवई हैं तो अच्छे से भुन गई है और इसे अब मैं अलग एक कटोरी में इस तरीके से निकाल के रख दूंगी। और ये जो कढ़ाई में घी बचा हुआ है, लेफ्ट ओवर घी है, इसमें मैं अब फ्राई करूंगी ड्राई फ्रूट्स। तो ये काजू और किशमिश है जो मैं फ्राई करूंगी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं गार्निशिंग के लिए भी रखूंगी, उन्हें मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ। और ये काजू और किशमिश अच्छे से मैं भून लूंगी। देखिए ये कलर चेंज हो गया, अच्छे से भुन गए हैं, इन्हें भी अलग कटोरी में निकाल के हम रख लेंगे। और अब इसमें थोड़ा सा मैं घी एड ऑन करूंगी। तो पहले ये सारे ड्राई फ्रूट्स पहले निकाल लेती हूँ और इसमें हल्का सा मैंने घी और डाला है और उसको गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 2 कप पानी, क्योंकि 1 कप सेवई थी तो मैंने 2 कप पानी डाला है इसमें। तो ये 2 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है और इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी केसर, जिसे मैंने हल्के गुनगुने दूध में पहले भिगो के रख दिया था। तो ये केसर मैं इसमें डाल दूंगी, इससे अच्छा फ्लेवर भी आता है, थोड़ा कलर भी अच्छा आ जाता है। तो अब इस पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है तो ये सेवई भी मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसे हमें अच्छे से चलाते रहना है। और साथ में इसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे ना, वो भी मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो इस तरीके से चलाते रहिए जब तक सेवई पक नहीं जाती, बीच बीच में ओकेजनली आप चलाते रहो। तो ये अब मैंने चीनी भी इसमें डाल दी है, जब पानी अच्छे से सूख जाए तो मैंने इसमें डाल दी है चीनी। चीनी पहले थोड़ी सी कम ही डालिएगा, पहले चख लीजिएगा, उसके बाद अगर आपको कम लगती है फिर दोबारा आप डाल सकते हो। तो मैंने चीनी अभी इसमें डाल दी है और इसके साथ साथ मैं इसमें जैसे आपको बताया था कि ड्राई फ्रूट जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं वो भी इसमें मिला दूंगी। और साथ में इसमें मिलाऊंगी मैं इलायची पाउडर। वैसे तो केसर का भी फ्लेवर आ जाता है इसमें, लेकिन ऊपर से कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो वो इलायची भी अगर आप डाल दोगे इसमें तो उसका भी फ्लेवर अच्छे से आ जाता है। और अगर आपके पास केसर नहीं है तो सिर्फ इलायची का पाउडर डाल दो तो भी चल जाएगा। तो मैंने केसर भी डाला है और साथ में इलायची का पाउडर भी मैं इसमें डालूंगी और इसे अच्छे से भून लेना है अब इस टाइम पे। तो ये इलायची का पाउडर है जो मैंने घर पे ही पीस के रखा है, तो मैं इलायची में थोड़ी सी चीनी मिला के अच्छे से पीस लेती हूँ तो बारीक पाउडर बन जाता है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा इलायची में जैसे रेशे रह जाते हैं ना। तो मैं इस तरीके से पीसती हूँ इलायची और साथ में थोड़ी सी चीनी, तो पाउडर अच्छा सा बन जाता है। तो ये घर का ही पिसा पाउडर है, तो वो मैंने अब इसमें मिला दिया और अब इसे मैं अच्छे से 2-3 मिनट तक भूनूंगी, जब तक इसमें अच्छे से एरोमा नहीं आ जाता, अच्छे से महक नहीं आने लगती। तो ये हमारी सेवइयाँ देखिए बन के तैयार है, कलर कितना अच्छा आया है। और अब हम इसको सर्व करेंगे गरम गरम। गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है, ठंडी मत खाइएगा क्योंकि ये चीनी की बनी हुई होती है ना, तो थोड़ी सी हार्ड सी भी लगेगी आपको। तो ये तैयार है गरम गरम सेवइयाँ, इसे मैंने ऊपर गार्निश किया है बादाम और पिस्ता से, काजू और किशमिश मैंने फ्राई करके डाल ही दिए थे। तो जी सेवई मीठी मीठी तैयार हैं। हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू जो देख रहे हैं, प्लीज़ बनाइएगा और खाइएगा, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लाजवाब। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी गर्मा गर्म मीठी सिवई और बहुत टेस्टी लगती है ये खाने में। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा जरूर कल बना के, क्योंकि कल है ईद, और मजे से खाइएगा, स्वाद लेके और अपने परिवार को भी खिलाइएगा और वाह वाह लूटिएगा। तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये और बहुत इजीली, बस मुश्किल से 15-20 मिनट में बन जाती है। तो ये रही बढ़िया सी सिवैया। तो जैसा कि मीठा आज घर में बनाई था तो मैंने सोचा क्यों ना भगवान जी को भी भोग लगा दिया जाए। तो ये शाम की आरती का टाइम भी हो गया था तो अभी मैं फटाफट से दिया बाती कर लेती हूँ और भगवान जी को भी प्रसाद में आज मैंने ये मीठी सेवई का ही भोग लगा दिया था। और ऑफिस का टाइमिंग तो कोई फिक्स है नहीं, तो कब ऑफिस ख़त्म होता पता नहीं था। तो मैं ये जो सेवइयाँ हैं वो गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं ले आई थी खाने के लिए। तो अभी हम दोनों बैठ के आराम से सेवई इंजॉय करेंगे और बहुत ही अच्छी, बहुत ही यम्मी बनी थी। चीनी भी एकदम परफेक्ट थी, हालांकि मैंने जैसे आपको बताया मुझे किसी चीज़ में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा पहले डालती हूँ, उसके बाद मुझे कम ज़्यादा लगता है तो उस हिसाब से डाल लेती हूँ। तो पहले मैंने थोड़ी चीनी डाली थी और बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे हम तीनों बैठ के अपना एक टाइम इंजॉय कर रहे हैं। तो शाम को कुछ ना कुछ आजकल स्नैकबाजी हो ही जाती है, तो आज मीठी सेवइयाँ हमने बनाई थी।
फ्रेंड्स, खाना वाना सब हो गया है, सेवई भी हमने खा ली जैसा आपने देखा, और बहुत टेस्टी बहुत यमी बनी थी। एक टिप मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी, सेवई अगर आप बनाओगे तो चीनी जो है ना वो पहले थोड़ी डालिएगा, और बाद में अगर आपको कम ज़्यादा लगती है तो उस हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हो गई ना तो फिर वो टेस्ट ख़राब हो जाता है, लेकिन कम होगी तो आप बाद में डाल सकते हो, ये मैंने आपको बनाते समय भी बताया था। तो चीनी है ना थोड़ी पहले स्टार्टिंग में डालिएगा, एक बार चख लीजिएगा, और फिर उसके बाद अगर आपको कम लगती है तो और डाल लीजिएगा। बाकी बनती बहुत टेस्टी है, बहुत यमी बनती है, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत जल्दी बन जाती है। तो हम लोगों ने तो इन्जॉय कर ली, आप लोग भी इन्जॉय कीजिएगा। और ऑफिस भाई अभी तक चल रहा है, लेकिन हम लोग अंदर आ गए हैं क्योंकि अब सारा काम निपट गया है, वहाँ पे बैठे बैठे है ना बोर हो जाते हैं। तो स्वाभाविक देख रहा है टीवी, और अब मैं लेटूंगी क्योंकि मैं सारा किचन का काम वगैरह अपना काम वगैरह सब निपटा के आई हूँ। जब ऑफिस खत्म होएगा तो स्वाभाविक के पापा भी अंदर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहीं ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू, जो देख रहे हैं उन्हें भी और जो नहीं देख रहे हैं उन्हें भी। लेकिन जो देख रहे हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, और नोटिफिकेशन बेल हिट करना मत भूलना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे मेरी वीडियोस के आगे जो मैं डालने वाली हूँ। आपको पता ही कैसे चलेगा कि मैंने नई वीडियो डाल दी है, तो नोटिफिकेशन बेल भी जरूर हिट कर देना। सो गुड नाइट फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।